आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस इज थायरीस या थायरस इन। हमें बताना है जो थायरीस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है वो किस में होती है, लेंटेना में, ग्रेप में, जैस्मिनियम में या इक्विनोक्स में। अब हम पढ़ते हैं कि जो थायरीस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है ये बेसिकली होती क्या है। इसमें क्या होता है, जो साइमोस क्लस्टर्स होते हैं दे आर बॉर्न एक्रोपेटली ऑन एन एक्सिस। क्या होते हैं, जो साइमोस क्लस्टर्स होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो एक्रोपेटली प्रेजेंट होते हैं। और साइमोस में क्या होता है, एक्चुअली ये साइमोस क्लस्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं आर प्रेजेंट एट द टिप और जो यंग बर्ड्स होती हैं आर अरेंज्ड एट पेरीफेरी। जो यंग बर्ड्स होते हैं वो पेरीफेरी पे अटैच्ड होती हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे होते हैं। साइमोस के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होते हैं और जब ये एक्रोपिटली अरेंज्ड होते हैं तो ये थायरस इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेप। ग्रेप वाइन के अंदर थायरीस इन्फ्लोरेसेंस होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।